कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमजा अली। तो आज हम डीप डाइव करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह एवेटार इतना रियलिस्टिक बनी और जेम्स कैमरॉन ने अपना जादू कैसे चलाया। तो कभी ना कभी आपने ये सोचा होगा, इमेजिन तो की होंगी ये चीज़ें, या कभी ना कभी दिमाग में बात आई तो होगी कि इस तरह की जो फिल्म्स होती हैं, व्हाई दे लुक सो फकिंग रियलिस्टिक। तो यार, एवेटार फिल्म को समझने के लिए ना आपको जेम्स कैमरॉन को समझना पड़ेगा और उनके विजन को समझना पड़ेगा। तो जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरॉन, वो 1994 से ही उनके दिमाग में इस फिल्म का आइडिया था, बट उस टाइम पर इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था। ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। तो उन्होंने लगभग 15 साल तक वेट किया था। तो उसके बाद जब टेक्नोलॉजी उनकी सोच के बराबर आ गई, उन्होंने इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया। एवेटार में जो दुनिया दिखाई गई है, पेंडोरा, वो एक एलियन वर्ल्ड है जो कि नेचुरल और रियलिस्टिक लगता है हमारी दुनिया की तरह। और वो इतना रियलिस्टिक क्यों लगता है? क्योंकि जेम्स कैमरॉन ने जब ये फिल्म वो बना रहे थे, स्क्रीन प्ले जब लिख रहे थे, जब इसके पीछे रिसर्च और डेवलपमेंट के फेज में वो चल रहे थे, तब उस वक्त उन्होंने बहुत बारीकी से डिटेल्स नापी थी इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वो पैशनेट थे। और इन डिटेल्स को जब आप एक फिल्म के अंदर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग, जिसमें हर चीज़ जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज़ प्रॉपर डिटेलिंग के साथ बनाई जाती है। अब बात करते हैं एवेटार के रियलिस्टिक मूवमेंट्स की। उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे नावी लोग या जो भी आपको सीजी कैरेक्टर्स दिखते हैं जो रियलिस्टिक लग रहे हैं उस फिल्म के अंदर, तो उसके पीछे जो प्रॉपर एक प्रोसेस है उसको मोशन कैप्चर कहते हैं। मोशन कैप्चर एक प्रॉपर एक सूट और एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आप रियलिस्टिकली एक एक्टर के, जैसे मैं हूँ, एक एक्टर के मुंह पे पॉइंट्स बनाकर, ट्रैकिंग मार्कर्स बनाकर, या फिर उसके चेहरे पर सेंसर्स वगैरह लगाकर छोटे कैमराज के साथ उसकी मूवमेंट कैप्चर करते हैं, उसकी एक एक छोटी बारीक से बारीक डिटेल नापते हैं। मोशन कैप्चर सूट्स के जरिए मोशन कैप्चर मूवमेंट उनकी जो है वो रिकॉर्ड की गई, हर एक छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को ट्रैक किया गया और उसका डेटा 3D CGI और VFX वगैरह में उसको बाद में इस्तेमाल किया गया। बताने वाली बात यह कि इससे पहले ये वाली टेक्नोलॉजी, मोशन कैप्चर वाली टेक्नोलॉजी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और किंग कॉन्ग में भी यूज हो चुकी थी, बट जेम्स कैमरॉन की अवतार के बाद, एवेटार या अवतार जो आपने बोलना है बोल सकते हैं, एवेटार फिल्म के बाद इस टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और किसी फिल्म मेकर ने इससे पहले नहीं किया, तो एक तरीके से ये एक बूस्ट मिला उस टेक्नोलॉजी को भी इस फिल्म के साथ। और क्या आपको पता है, एवेटार के अंदर जो हमारे एक्टर्स हैं और जो हमारे कैरेक्टर हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग और स्टंट की ट्रेनिंग और एक्टिंग की ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वो हमारी इस दुनिया के लोगों से थोड़ा डिफरेंट लगें, क्योंकि वो पेंडोरा हमारी दुनिया नहीं है। अगेन मैं आपको वही बोलूंगा कि वर्ल्ड बिल्डिंग और डिटेलिंग का इसमें बहुत बड़ा और बहुत अहम किरदार है। एवेटार के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा सेंसर्स या ट्रैकिंग मार्कर्स उनके चेहरे पर थे, जिसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट थी, उनकी जो एक्सप्रेशन थे, फेस के एक्सप्रेशन थे, उसकी टाइनी से टाइनी डिटेल्स भी इन लोगों के पास डेटा की फॉर्म में थी, और जिसको बाद में कन्वर्ट करके CGI मेथड से नावी के चेहरों पे लगा सकें। दैट इज द रीजन व्हाई दे लुक सो रियलिस्टिक व्हाइल दे स्पीक, और जब वो बात करते हैं या जब कोई वो एक्सप्रेशन देते हैं तो दे लुक सो रियलिस्टिक। और ये उस टाइम पे जेम्स कैमरॉन के लिए बहुत ही मुश्किल चैलेंज था। अच्छा, एवेटार के ज़्यादातर जो एनवायरनमेंट्स, एनिमल, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये चीज़ें जो थी वो ज़्यादातर जो थी वो फुल्ली CGI बनाई गई थी, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेजरी, मतलब प्रॉपर CGI 3D, तो सब रियलिस्टिकली CGI कंप्यूटर में बनाया गया था। पेंडोरा को रियलिज्म देने के पीछे वेटा डिजिटल का ही हाथ। इन्होंने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल का ख्याल रखा है, जैसे कि एनिमल्स का स्केल, प्लांट्स की लाइटिंग और एयर पार्टिकल्स, दे लुक डैम रियलिस्टिक। इसमें एडवांस किस्म की रेंडरिंग टेक्निक इस्तेमाल हुई है, जिसके अंदर जो रियलिस्टिकली लाइट जिस तरह दिखती है पार्टिकल्स के साथ, या जो भी वॉल्यूमेट्रिक लाइट या अलग अलग तरीके की लाइट्स होती हैं, वो ही हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स से जनरेट करने के बाद दिखती हैं इस फिल्म के अंदर। बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो जेम्स कैमरॉन ने इस फिल्म की वजह से 3D टेक्नोलॉजी के अंदर भी रेवोल्यूशन लाए। इससे पहले जो मूवीज होती थी वो 2D में शूट होती थी, देन उसको बाद में जाके कन्वर्ट किया जाता था 3D में, बट इस फिल्म के अंदर एक स्पेशल किस्म का तरीका यूज किया गया है, जिसको बोलते हैं स्टेरियोस्कोपिक 3D। इसके अंदर दो लेंसेज लगे होते हैं और वो पूरी की पूरी डेप्थ कैप्चर करते हैं। तो इसके अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो मैं आपको पुराने जमाने में किस तरह जो है वो इस फिल्म से पहले जो थी वो 2D फिल्म्स को 3D में कन्वर्ट किया जाता था, क्या प्रोसेस था उसका, वो एक अल टॉपिक है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये 3D कैमराज रियल डेप्थ और पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं, जिसको देखकर व्यूअर्स को लगता है कि वो वाकई में पेंडोरा के बीच में। इसी के साथ साथ पेंडोरा का व्यूअर्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए साउंड डिजाइन भी इस तरह किया गया और एनवायरनमेंट भी इस तरह क्रिएट किया गया कि वो रियलिस्टिक लगे। तो साउंड डिजाइनर्स का भी इस फिल्म के अंदर बहुत बड़ा हाथ है और हर फिल्म के अंदर होता है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर उन्होंने एलियंस का, एनिमल्स का और एनवायरनमेंट का और
दीगर चीज़ों का जो कि इस दुनिया में है भी नहीं, जो कि एक दूसरी दुनिया के अंदर है, उसको क्रिएट किया। ये साउंड्स बिना किसी इंटरप्शन के बिल्कुल रियलिस्टिक और नेचुरल लगते हैं, जिसको सुनकर हमें वाकई में लगता है कि हम किसी और दुनिया के अंदर। एवटार फिल्म सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, बल्कि इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने इस फिल्म के अंदर एक एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज भी दिया है। इसमें ह्यूमन और नावी के कैरेक्टर को रिलेटेबल और रियलिस्टिक बनाया गया है, ताकि हम एज एन ऑडियंस उन दोनों के इमोशन से कनेक्ट कर सकें और अपने आप को खुद इमोशनली उसमें इन्वेस्ट कर सकें। और लास्ट में एक लास्ट चीज जो अवतार को रियलिस्टिक बनाती है, वो है इसका लॉन्ग एडिटिंग प्रोसेस। इसकी एडिटिंग और सीजीआई का काम तकरीबन 2 साल तक चला, जिसके अंदर इसकी सब डिटेल्स को पॉलिश किया गया, जिसमें लाइटिंग, टेक्सचरिंग और कलर करेक्शन की हेल्प से इसको नेचुरल, रियलिस्टिक और आई कैचिंग बनाया गया। आज हम सबको लगता है कि एवटार एक फैंटेसी वर्ल्ड है, लेकिन जब उसे देखते हैं तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। ये सारा मैजिक है टेक्नोलॉजी और विजनरी फिल्म मेकिंग का, और यही रीजन है कि जेम्स कैमरॉन को फिल्म मेकिंग के दौर का मैजिशियन भी कहा जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को बेहतर करूँ इस तरह के कंटेंट के अंदर, और इंशाल्लाह ताला आगे जाके और भी अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हॉक्स प्रोडक्शन। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।